well, my dear students, the course is labor policy pakistan and the topic is malicious and vexatious claims or your relevant section, hai, that is section 15 of the payment of wages act. section 15, says claims arising out of deductions from wages or delay in payment of wages and penalty. मलिशियस और वैक्सीशियस क्लेम है क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस और डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड पेनल्टी फॉर मलिशियस और वैक्सीशियस क्लेम्स मलिशियस क्या होते हैं वैक्सीशियस क्या होते हैं सीधी सी बात है वैक्सीशियस ऐसे क्लेम्स होते हैं जो किसी को टॉर्चर करने के लिए होते हैं और मलिशियस ऐसे होते हैं जिनकी इंटेंशंस कुछ फर्क होती है और इल विल होती है उस तो सब सेक्शन वन सेक्शन फिफ्टीन का कहता है द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एनी कमिश्नर कमिश्नर कौन होता है ये बेसिकली जो लफ्ज कमीशन है उससे निकला है कमीशन से यहां मुराद जो है वो अथॉरिटी है और कमिश्नर वो शख्स है जो कि गवर्नमेंट की दी हुई लॉ की दी हुई इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इस जमन में कमिश्नर फॉर वर्कमैनस कॉम्पनसेशन और अदर ऑफिसर्स विद एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ सिविल कोर्ट अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास सिविल जज का एक्सपीरियंस है उसको अपॉइंट किया जा सकता है या कोई स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट है उसको अपॉइंट किया जा सकता है ताकि वो इस तरह के केसेस जो मलिशियस वैक्सीशियस हैं और रिलेटेड हैं कि डिडक्शन से ही हुई हैं या नहीं डिलेज और पेमेंट्स हैं उनको हियर करेंगे और एडजुडिकेट करेंगे तो माइडी स्टूडेंट्स प्रोविडेंट फंड सही पे हुआ है कि नहीं पे हुआ उसके मुतलक प्रॉब्लम्स भी उनके पास ही जाएंगी ग्रेचुटी के मुतलक भी उनके पास ही जाएंगी प्रोविडेंट फंड इज बेसिकली बहबूद फंड होता है जो कि जिसमें प्रोविडेंस होती है जिसकी मतमाय नजर जिसका होता है कि जो वर्कमैन है या एम्प्लॉई है उसकी बहबूद की जा सकती है ग्रेचुटी होती है समथिंग गिवन एज गिफ्ट कि आपकी बहुत मेहरबानी आपने हमारे साथ जिंदगी के इतना वक्त गुजारा है आपका शुक्रिया और शुक्रिया के तौर पे जो फंड क्रिएट किया जाता है उसे ग्रेचुटी फंड कहा जाता है सबसेक्शन टू

और ऑफ एनी ड्यूज रिलेटिंग टू प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी पेबल अंडर एनी लॉ हैज बिन डिलेड टच पर्सन हिमसेल्फ अगर कोई डिडक्शन गलत है या कोई पेमेंट ऑफ वेजेस टाइम पर नहीं है कोई प्रोविडेंट फंड का इशू है कोई ग्रेजुटी का इशू है तो जो डिप्राइव्ड पर्सन है गरीव्ड पर्सन है वो खुद या किसी लीगल प्रैक्टिशनर के जरिए से या किसी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के जरिए से वो इस बात को जो है वो इन कमिश्नर uh, के पास या सिविल जज के पास जो के तजुर्बाकार हैं उनके पास जाएगा और उसके ऊपर जो है वो हियरिंग होगी और फैसला होगा और इस्तेमाल में वो अथॉरिटी डायरेक्शंस भी दे सकती है कंसर्न लोगों को कि ये आप इस तरह चलें प्रोवाइडेड दैट एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंटेड विद इन थ्री ईयर्स

When the applicant satisfied the authority that he had sufficient cause for not making the application within such period. So, by the students, subsection 3, when any application under subsection 2 is entertained, the authority shall hear the applicant and the employer or other person responsible for the payment of wages under section 3 or give them an opportunity of being heard. ये रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस फिर आ गया आल्ट्रम पार्टम दैट नो वन कैन बी कंडेम अनहर्ड तो हर एक को सुने ये यूनिवर्सल लॉ है एंड आफ्टर सच फर्दर इंक्वायरी इफ एनी एज मे बी नेसेसरी मे विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर पेनल्टी ये विदाउट प्रेजुडिस का क्या मतलब है इससे मुराद ये है कि अगर और कोई पेनल्टी इस जिमन में किसी शख्स पर इम्पोज होती है तो वो भी होगी ये नॉट विद नहीं है नॉट विद स्टैंडिंग जब लगता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो दूसरी बात की गई है उसकी वैल्यू जीरो है तो जब विदाउट प्रेजुडिस लग जाए इसका मतलब ये है कि वो जो दूसरी बात है वो भी लागू रहेगी और यह भी बात लागू होगी जो अब बताने जा रहा हूँ विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर पेनल्टी टू विच सच एम्प्लॉयर और अदर पर्सन इज लाइबल अंडर दिस एक्ट डायरेक्ट द to टू द एम्प्लॉयड पर्सन डिडक्शन गलत होगी है कोई vexatious क्लेम है कोई मलिशियस क्लेम है कोई डिले ऑफ पेमेंट है कोई प्रोविडेंट फंड का इशू है ग्रेचुटी है और गलत डिडक्शन हैं तो फिर अगर हियरिंग होगी एप्लीकेशन पर तो वो रिफंड करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को द पेमेंट टू सच एप्लीकेंट ऑफ द अमाउंट डिडक्टेड और द पेमेंट ऑफ द डिलेड वेजेज और ऑफ एनी ड्यूज रिलेटिंग टू प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुअटी पेबल अंडर एनी लॉ टूगैदर विद द पेमेंट ऑफ सच कॉम्पनसेशन एज द अथॉरिटी मे थिंक फिट कॉम्पनसेशन भी साथ दी जाएगी ओरिजिनल डिडक्शन तो वापस की जाएगी साथ कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन देने का पर्पज क्या होता है कि उस बंदे को उस स्टेट में लाना जिसमें वो होता अगर उसके साथ ये जो जुल्म है वो ना होता तो ये कॉम्पनसेशन का पर्पज जो है वो पनिशमेंट बिल्कुल नहीं होता बल्कि रिकम्पेंस इसका पर्पज होता है तो माई डियर स्टूडेंट्स होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक or for more detail you may consult the relevant law and dictionaries and you may google the knowledge is there ko involve current research hope you have understood the topic thank you very much